जय हिंद दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर का मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग किसमें होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म। सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, यानी कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग सीपीयू में ही होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के बृहद अनुप्रयोग के कारण आधुनिक युग को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के बृहद अनुप्रयोग के कारण आधुनिक युग को क्या कहा जाता है? तो इनको कहेंगे कंप्यूटर युग। क्या कहेंगे? कंप्यूटर युग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक को क्या कहते हैं? सीपीयू के गति को प्रभावित करने वाले कारक को कहेंगे शब्द परास, कंप्यूटरी घड़ी एवं केस मेमोरी। क्लियर है? केस मेमोरी। चलिए, इन सब को याद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, शब्द परास अधिक होने से कंप्यूटर की गति क्या होती है? क्लियर है? शब्द परास अधिक होने से कंप्यूटर की गति क्या होती है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाती है। कंप्यूटर की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंट्रोल मेमोरी और अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट इसमें होती है। ये जितने भी है, कंट्रोल हो गया, मेमोरी हो गया, अरिथमेटिक हो गया, लॉजिक यूनिट, ये सब का सब इनके ब्रेन में होता है, यानी कि सीपीयू में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, टैली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? टाइम शेयरिंग और टैली प्रोसेसिंग का प्रयोग कौन से कंप्यूटर के पीढ़ी में हुआ? तो कंप्यूटर का जो थर्ड जनरेशन था, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ये हुआ था, टैली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? कोई कंप्यूटर पहले से ही ऑन है और उसको रीस्टार्ट करने को क्या कहेंगे? तो वार्म बूटिंग। उनको क्या कहेंगे? वार्म बूटिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा होता है? इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा होता है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जावा। क्लियर है? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जावा, जो कि इंटरनेट में प्रयोग करने वाले कंप्यूटर लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी रे क्या है? तो सी रे जो होता है, ये आपका सुपर कंप्यूटर है। सी रे, सी आर ए वाई, एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो देखिए, अनवरत विद्युत आपूर्ति जो करता है, वो करता है यूपीएस। ठीक है, यूपीएस जो कि छोटा मोटा बिजली प्रोवाइडर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है? फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो फाइल एक्सटेंशन यूज किया जाता है फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, फाइल टाइप को, किस प्रकार का फाइल टाइप है? ठीक है, जीपीजी फॉर्म में होता है, पीडीएफ फॉर्म में होता है, तो किस प्रकार का फाइल टाइप है, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल एक्सटेंशन यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? फंक्शन कीबोर्ड में 12 होता है। ठीक है, F1 से लेकर के F12 तक होता है, 12 फंक्शन कीबोर्ड में। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर देखिए 2 प्रकार को होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा 2 प्रकार का कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर जो है वो फोर्थ पीढ़ी, यानी कि चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है, माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई और की लाइनों वाली कोड को क्या कहते हैं? कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई वाले लाइनों, लंबाई चौड़ाई की
लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? तो इनको कहेंगे बार कोड। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई ऐसा रहता है, कंप्यूटर के जरिए जो कोड पढ़ा जाता है उनको कहेंगे बार कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉड्यूलेटर डी, क्वेश्चन है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो इनको कहेंगे मॉडेम। ठीक है, मॉडेम। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सेल वर्कबुक संग्रह किसका है? एक्सेल वर्कबुक संग्रह किसका है? तो हुआ वर्कशीट का। एक्सेल वर्कबुक संग्रह किसका है? वर्कशीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओरेकल क्या होता है? ओरेकल ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पास्कल क्या है? पास्कल कंप्यूटर की एक भाषा है। ठीक है, पास्कल जो होता है कंप्यूटर की एक भाषा है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता या निकलता है उसे क्या कहते हैं? वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या फिर निकलता है उनको कहेंगे टर्मिनल। इस चीज़ को याद रखिएगा, उनको क्या कहेंगे? टर्मिनल कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है? स्टोरेज करने के लिए किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लैक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेल फोन में फ्लैक्स होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉफ्ट कॉपी एक इनपुट है जो तो हार्ड कॉपी एक क्या हो जाएगा? तो हार्ड कॉपी एक प्रिंटेड आउटपुट होता है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी जो होता है एक इनपुट होता है, तो हार्ड कॉपी एक प्रिंटेड आउटपुट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईडीपी, ईडीपी क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ईडीपी तो ईडीपी होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ये ईडीपी का फुल फॉर्म होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, वे डिवाइस जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है उसे क्या कहते हैं? वे डिवाइस जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने स्वयं के प्रयोग हेतु अलग रखा है उसे क्या कहते हैं? इनको कहेंगे रिजर्व वर्ड्स बोलेंगे। क्लियर है, रिजर्व वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं? परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहेंगे? डेटाबेस कहेंगे, याद रखिएगा डेटाबेस। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, डिस्क को ट्रेको और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या होती है? डिस्क को ट्रेको और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? इनको कहेंगे फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आर पेंटनेट। ठीक है, ए आर पेंटनेट है। ठीक है, ए आर पेंटनेट। PANET। चलिए तो इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम बस। ठीक है, सिस्टम बस होता है जो कि मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली किस रूप में प्रयोग में लाई जाती है? तो इसको जो यूज किया जाता है वो है वेब सर्वर में। वेब सर्वर में यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली को प्रयोग में लाई जाती है, वेब सर्वर के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? तो उसका एक्सटेंशन है XLS। अगला क्वेश्चन देखिए, रेम रेम वोलाटाइल मेमोरी है, इसे किस लिए जरूरत होती है? रेम जो है वोलाटाइल मेमोरी है, इसे किस लिए जरूरत होती है? तो देखिए, डेटा रिटेन
डेटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है, जिसके कारण रैम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ईमेल एड्रेस के दो भाग कौन से होते हैं? इम्पोर्टेंट है, ईमेल एड्रेस के दो भाग कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोक्ता का नाम और डोमेन का नाम। प्रयोक्ता का नाम और फिर डोमेन का नाम, यानी कि भेजने वाला और फिर गेन करने वाला, कौन भेज रहा है और किनको भेजा जा रहा है, ये दोनों भाग होता है ईमेल एड्रेस का, दो भाग। अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रिंटर द्वारा एक स्टॉक में एक अक्षर प्रिंट होता है। इस प्रिंटर द्वारा एक स्टॉक में एक अक्षर प्रिंट होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो इसमें क्या रहने की संभावना होता है? तो अगर खुद को रिबूट करते रहता है इसमें वायरस रहने की संभावना होता है, इसको याद रखिएगा, वायरस रहने का संभावना होता है। क्वेश्चन नंबर 35 याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 है, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ होती है, द्विदिशीय कड़ियाँ, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेस। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने 36, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? तो सी डेक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी डेक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस संस्थान के जरिए सुपर कंप्यूटर जिसका नाम था परम, इनका इन्वेंट किया गया था, बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है डॉक्यूमेंट, DOC। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाले कंप्यूटर का नाम है सी ब्रेन, तो याद रखिएगा सी ब्रेन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं, सर्किट और अन्य चिप जिसमें रहता है उनको मदरबोर्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जंक ईमेल को क्या कहते हैं? जंक ईमेल जिसको स्पैम कहा जाता है, जंक ईमेल को क्या कहेंगे? स्पैम। अगला क्वेश्चन देखिए, कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे होता है? कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे होता है? तो डिजाइन से होता है, इसको याद रखिएगा डिजाइन। अगला क्वेश्चन, ALU का पूरा नाम क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, ALU का पूरा नाम क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट। गूगल क्या है? क्वेश्चन नंबर 43, गूगल क्या है? तो गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है, गूगल क्या है? एक प्रकार का सर्च इंजन है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए कि भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है तो वह कौन सी भाषा कहलाती है? भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम का समझता है वह भाषा कौन सी भाषा कहलाती है? तो उनको कहेंगे मशीनी भाषा, ठीक है, मशीनी भाषा। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस किसे कहा जाता है? इनको कहेंगे माउस को, ठीक है ना, क्योंकि माउस में क्या होता है, ड्रैग भी होता है और पॉइंटर भी होता है, तो पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस इसको कहेंगे तो माउस को कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, लिनक्स किसका एक उदाहरण है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन देखिए, टेक बॉल किसका उदाहरण होता है? टेक बॉल जो है किसका उदाहरण होता है?
ट्रैक बॉल है, पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है, एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है ट्रैक बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेड या फिर बोर्ड को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेड या बोर्ड को क्या कहते हैं, इनको कहेंगे सर्किट बोर्ड, इसको याद रखिएगा सर्किट बोर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, किस प्रिंटर द्वारा स्टॉक के अक्षर प्रिंट होता है, किस प्रिंटर द्वारा स्टॉक से अक्षर प्रिंट होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सॉफ्टवेयर, लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम, ठीक है सिस्टम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।